मंच पर उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रीमान अरुण जेटली जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता बंधुगण, इससे पहले हम अगस्त क्रांति दिन के दिन दिल्ली में मिले थे और 9 अगस्त को जब दिल्ली में मिले थे तब हमने 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और देश में पहली गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद हम मिले थे। और आज जब कर्नाटक के बेंगलुरु में हम मिल रहे हैं तब आज हम संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के बाद यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि आज हमारी सदस्यता 9,25,00,000 के आंकड़े को पार कर 10 करोड़ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मित्रों, संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अहर्निश परिश्रम किया, परिश्रम की पराकाष्ठा की और इसलिए मैं हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी और देश भर के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी हुई। मित्रों, 26 मई 2014 को इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी जिसका नेतृत्व हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र भाई कर रहे हैं। इस बार 10 महीने पूरे होने को, इस 10 महीने में देश के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन आया। 10 महीने पहले जब यूपीए की सरकार थी तब शायद ही कोई महीना ऐसा होता था जब कोई घपले और घोटालों का खुलासा न होता। हर महीने कोई न कोई घपले और घोटालों से खुलासे से सरकार पर आशंका की दृष्टि होती थी। यूपीए 2 के टाइम में 2G का घोटाला और महिला घोटाला, CWG, आदर्श ट्रैक्टर, ट्रक, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, विमान की खरीदी का घोटाला, एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का घोटाला, इसरो का घोटाला, ये सारे घोटाले मिलकर करीब करीब 12,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का गबन इस यूपीए सरकार ने किया था और पूरा देश निराशा की घट में डूबा हुआ था। मित्रों, पूरे देश के मन में एक आशंका था कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या है, देश कहां जा रहा है। हताश और बेरोजगारी का रोड पर आंदोलन की शक्ल में इकट्ठा होता था और उनका आक्रोश रोड पर दिखाई पड़ता था। पूरी दुनिया में भारत को देखने के नजरिया बदला हुआ, दुनिया में रहते हुए भारतीय उनके मन में एक शंका का भाव नहीं हुआ था कि 20वीं सदी में भारत कहां पहुंचेगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्रीमान नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता पद और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री पद को नरेंद्र भाई ने सौंपा। उसके बाद धीरे 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 देश के माहौल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मित्रों, 10 महीने के अंदर हमने दिखाया है कि पारदर्शी तरीके से लोकाभिमुख शासन किस तरह से चल सकता है। आज युवा आसान्वित हुआ, दुनिया को, दुनिया की नजर देश की तो देश को देखने की बदली, नजरिया भी बदला है। दुनिया में रहते हुए भारतीय गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। 10 महीने के शासन के बाद आज देश नए उमंग और आशाओं के साथ दुनिया में अपना स्थान निश्चित करने के लिए आगे बढ़ा है। मैं मानता हूं कि इस 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दुनिया में भारत के स्थान को अग्रिम पंक्ति में निश्चित किया है। मित्रों, 2014 का जो साल गया वो साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है। इसी साल को हम विजय वर्ष के रूप में जान पाए किस तरह से इस साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय को अंकित किया है।
मित्रों इसी साल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमारे नेता नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तुरंत हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू काश्मीर के चुनाव आए। इन चारों चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और एक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। महाराष्ट्र में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सत्ता के सूत्रपात संभाले हुए। झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी वाली सरकार बनाने का गौरव हमें मिला। मित्रों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विफलता तो घर पर कहते हैं, मगर मैं मानता हूं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विजय है जम्मू काश्मीर की विजय। जम्मू काश्मीर की विजय मानो जम्मू काश्मीर की जनता की श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि। जम्मू काश्मीर के अंदर एक नया प्रयोग, इस प्रयोग के बारे में हमारे विचार के विरोधी और मीडिया के कुछ लोग अलग अलग प्रकार की भ्रांति फैलाने का प्रयास करें। मित्रों में आप लोगों के माध्यम से आज पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी वाली सरकार बनने का ही मतलब है कि वहां राष्ट्रवाद की ताकतों की ताकत बढ़ने वाली है और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी सत्ता का महत्व तो नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की एकता और अखंडता सत्ता से कई गुना सर्वोपरि रही है। और मित्रों जम्मू काश्मीर में जब भाजपा की साझेदारी वाली सरकार बनी है तब जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वसमावेशी विकास के लिए एक नया युग शुरू हुआ है। जम्मू के क्षेत्र के लिए विकास के द्वार खुले और मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर सरकार देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगी, राष्ट्रवादी ताकतों को बल देगी और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों का एक समुचित विकास कर एक नया उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। जिन लोगों ने आज तक जम्मू काश्मीर की समस्याओं को जम्मू काश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढा, वो इस प्रयोग के लिए क्रांति फैला रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू काश्मीर की सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जम्मू काश्मीर सरकार के नए प्रयोग को बहुत अच्छे से अंजाम तक ले जाएंगे और वहां पर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। मित्रों देश में 12 जगह पर भारतीय जनता पार्टी या तो सत्ता में है या सत्ता में भागीदार है और सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता में है वो दीनदयाल जी के बताए हुए अंत्योदय के रास्ते पर सरकार को आगे ले जा रहे हैं और उसी का कारण है कि बार बार हमारी सरकारों को जनादेश प्राप्त हो। गुजरात में 5 बार हम सरकार को बनाए, मध्य प्रदेश में 3 बार, छत्तीसगढ़ में 3 बार, गोवा में 2 बार, राजस्थान में 2 बार और अब देश की सरकार बनी है। मुझे भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबे अंतराल तक देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले। मित्रों इसी वर्ष के दौरान दिल्ली में भी चुनाव हुआ, दिल्ली में हमें पराजय का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक यात्रा है उसमें कई बार ऊंच नीच आई है, जय पराजय आए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी विजय से आश्रित होकर बैठती नहीं है और पराजय से निराश नहीं। हमारी विचारधारा काल प्रेम विचारधारा है। हर बार जब जब भी भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इसमें से उभर कर आई है और विजय के रास्ते पर प्रशस्त हुए। मुझे विश्वास है हमारा दिल्ली यूनिट भी इसी पराजय में से बहुत जल्द बाहर आकर विजय के रास्ते पर पुनः प्रशस्त होगा और दिल्ली इकाई भी विजय के रास्ते पर बहुत जल्दी काम करने लगेगी। मित्रों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
सरकार 10 महीने के अंदर हम बिल्कुल भरोसे से कह सकते हैं कि वे गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, और वो ये सरकार दीनदयाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली अंत्योदय के लिए काम करने वाली सरकार है। मित्रों, जब हमारी सरकार आई तब हमने झंडा को वचन दिया था कि हम देश की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों, देश की आजादी के 68 साल के बाद भी, देश की आजादी के 68 साल के बाद भी देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं है। 50 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट 68 साल की आजादी के बाद भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जनधन योजना की घोषणा करी और 2 ही महीने में जनधन योजना को एक मूर्त रूप देकर योजना को क्रियान्वित किया और आज 10 ही महीने के कम समय के अंदर 12 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। 68 साल से जो गरीब बैंक अकाउंट खुलाने तक की सक्षमता नहीं रखता था उस तक विकास का फायदा पहुंचाने का एक रास्ता नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने खोला है और इससे 50 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। इसी के कड़ी आगे जोड़ते हुए इसी बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में सिर्फ 12 रुपए में 2 लाख का अकस्मात बीमा सभी जनधन योजना के अकाउंट होल्डरों को देने का फैसला किया है और 330 रुपए में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस सभी जनधन योजना के अकाउंट होल्डर को मिलेगा। और मैं मानता हूं कि दोनों बीमा की योजनाओं के कारण देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन को सुरक्षा कवच देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 50 करोड़ लोगों को सुरक्षा देने का काम आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार कर रही है और हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आने वाले दिनों में हमने कई नई योजनाएं जनधन योजना के माध्यम से लागू करने वाले हैं। मित्रों, गरीबों के गरीबी के सामने लड़ाई लड़ने का इस सरकार का फैसला है और बेरोजगारी गरीबी की जनता है। जब तक बेरोजगारी का उन्मूलन नहीं होता गरीबी का उन्मूलन होना असंभव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बेरोजगारी को निरस्त करने के लिए 2 योजनाएं लोगों के सामने रखी। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने लोगों के सामने मेक इन इंडिया की घोषणा की थी और ये मेक इन इंडिया के नारे को 25 सितंबर को दीनदयाल जी की तिथि पर उसको योजना का मूर्त रूप देकर मेक इन इंडिया योजना पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है, पूरी दुनिया की कंपनियां आज भारत में उत्पादन करने के लिए उत्साह से भारत की ओर बढ़ रही है और इससे लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी मिलने वाली है। बेरोजगारी को निरस्त करने के लिए ये भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। इसके साथ स्किल इंडिया की योजना के माध्यम से एक बेरोजगार युवा को स्किल बनाकर मेक इन इंडिया की योजना के माध्यम से जो रोजगारी उत्पन्न होने वाली है इसके लिए योग्य बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि जब तक अन्नदाता सुखी नहीं होता देश के अंदर सुख आना असंभव है। देश की 70% से ज्यादा आबादी कृषि पर आज भी निर्भर है। देश के अंदर किसानों की तकलीफ कम करना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और WTO में शुरू में ही जाना पड़ा तब UPA की सरकार ने पहले WTO में विश्व व्यापार संगठन में एक भरोसा दिया था कि भारत एक WTO के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए रुकावट थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब इस समझौते को
मूर्त रूप देने का समय आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक दृढ़ निश्चय के साथ वहां कहा, हम विश्व व्यापार संगठन की सभी आर्थिक डिसिप्लिन को मानना तो चाहते हैं, मगर हम हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा किसान। किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देश में नहीं दे सकते तो 70% की आबादी के लिए जीना दुर्भर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो की सरकार ने जो स्टैंड लिया, इसके कारण आज हम विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा भी है और आज हमारी सरकार की पहल पर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए हमारा रास्ता भी खुला है। मैं मानता हूं कि हमारा बहुत बड़ा मित्रों एक सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने राजस्थान के अंदर शुरू की। सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना के माध्यम से किसान अपनी भूमि के उर्वरकता की जांच करा सकता है, अपनी भूमि पर अपने खेत में कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, किस प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न के लिए भूमि उपयुक्त है, इसके लिए उसको वैज्ञानिक मार्गदर्शन देता है और इसके माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी, भूमि की उर्वरता बरकरार रहेगी और क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने के कारण किसानों की आय में भी काफी बड़ी वृद्धि होने वाली है। लेबोरेटरी के अंदर जो काम पड़ा था उसको जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आने वाले दिनों में पूरे देश के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत संभालित करने के लिए सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से सूखे खेत में पानी पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और इसे सिंचाई के कारण किसानों की आय बहुत लंबे समय तक बढ़ने वाली है। मित्रों किसानों के मार्गदर्शन के लिए, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए, जलवायु की जानकारी के लिए, वैज्ञानिक मार्गदर्शन के लिए एक 24 घंटे की किसान चैनल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से चालू की है। मैं मानता हूँ इस चैनल के माध्यम से देश का किसान अपने कामकाज के अंदर बहुत अच्छी सहूलियत को महसूस करेगा। मित्रों जब वर्षा नहीं हो, खराब खाद आता तब किसान के लिए उसकी आय के लिए पशुपालन ये भीड़ की हड्डी होता है और वर्षों से हमारे देश के अंदर कृषि करने वाला किसान पशुपालन और इस कृषि दो पहियों पर अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाता है। और मित्रों जानवर और जमीन इसका संतुलन आने वाले जानवर और जमीन का संतुलन जमीन की उर्वरकता को बरकरार करके रखता है। पशुवध और मांस निर्यात के कारण आज किसान हरे भरे होता है, विशेष करके पिछड़े वर्ग का किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान उसके पशुवध और मांस निर्यात के कारखानों के कारण कत्ल होने के कारण आज गरीबी के शरण में जाकर रुका है। इसके कारण देश में एक बहुत बड़ा संकट भी, दूध का भी संकट खड़ा हुआ है। मेरे लिए आश्चर्य की बात है, ये जो लोग जलवायु परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाते हैं, नदियों के लिए चलाते हैं, वो जिसमें जीव है ऐसे जानवर की चिंता करने से क्यों परहेज करते हैं? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां सब जगह हमने पूर्ण गौ वंश हत्या पर प्रतिबंध का कानून लाकर इसको हमने रोकने का एक निरंतर प्रयास किया है। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा महाराष्ट्र और हरियाणा की हमारी नई सरकारों का भी, सरकार बनते ही संपूर्ण गौवंश पर महाराष्ट्र और हरियाणा में भी प्रतिबंध लगाकर इस सरकारों ने एक अच्छी पहल करी है। हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंदर भी गौ हत्या प्रतिबंध पर की अपेक्षा देश के नीति निर्धारकों से संविधान ने की है। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारों ने जो काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है बहुत अभिनंदनीय और सराहनीय। मित्रों की सरकार उपेक्षितों के लिए काम करने वाली सरकार है। मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड में लचीलापन, रोजगार पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन
1000 रुपया कटकर 8.77 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। वन बंधु योजना से वन बंधु की तकलीफें दूर करने के लिए सरकार आगे बढ़ी है। सुकन्या समृद्धि योजना से कन्याओं की सुरक्षा करने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। मित्रों, एक नया इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस बजट में दिया गया है। इतने बड़े देश में सभी के लिए नौकरियों का प्रावधान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, और इसलिए स्वरोजगारी को बढ़ावा देना चाहिए। ये देश में आज भी स्वरोजगार करने वाले, अपने आप अपने छोटे मोटे कारोबार करने वाले करोड़ों लोग, इनके फाइनेंस के लिए, उनको ऋण देने के लिए आज तक कोई योजना नहीं है। 5000 रुपए की लागत से कोई पैदल रिक्शा खरीदना चाहता है, कोई ठेला चलाना चाहता है, कोई चाय की पकौड़ी की लारी लगाना चाहता है, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यापारी अपनी छोटी सी खुदरा व्यापारी की दुकान लगाना चाहता है। एक नया अभी में सुना हुआ डॉक्टर गाँव में छोटा सा अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, उसको कहीं से ऋण मिलने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसके पास ना पैन कार्ड ना था, ना इनकम टैक्स। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक करोड़ों स्वरोजगार करने वालों के लिए मुद्रा बैंक का एक प्रावधान कर 5000 रुपए से 10 लाख तक का ऋण एक करोड़ों लोगों को देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन इस बजट में किया है। मैं मानता हूँ कि इससे बहुत सारे लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक सुवर्ण मौका मिलने वाला है। मित्रों, पेंशन योजना की सरकार लेकर आई, अब तक पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। इस नई पेंशन योजना के तहत अगर हम सेविंग्स करते हैं तो किसान को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, मजदूर को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, गरीब को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, और छोटे छोटे खुदरा व्यापारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वित्त मंत्री ने पेंशन की जो योजना लाई है, इस समाज के बहुत बड़े तबके को तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सुरक्षा देने का काम करेगी। और ये नई पहल के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभिनंदन देना चाहता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास के नारे पर हर समाज के तबके को उनसे विकास के लिए कार्य करकर आगे बढ़ेगी। मित्रों, यूपीए की सरकार थी तब सर्वविदित थे कि वो सरकार को पॉलिसी करानी से शुरू, सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग के प्रधानमंत्री बनकर बैठे, दो विभागों के बीच में, दो मंत्रालयों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, सभी लोग अपने अपने मंत्रालय के प्रधानमंत्री तो बने थे, प्रधानमंत्री को बिचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर मंत्री अपने मंत्रालय में स्वतंत्रता से काम करता है, और जहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, दो तीन मंत्रालय साथ में बैठकर कोऑर्डिनेशन कर पॉलिसी बनाते हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन की व्यवस्था करते हैं और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम करते हैं। उसके कारण आज देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार आया है। मित्रों, पहले भी एक बार एनडीए की सरकार बनी थी, सदैव अटल जी हमारे प्रधानमंत्री, अडवाणी जी प्रधानमंत्री। उस वक्त जब हम शासन में आए तो हमें 4.4% का विकास दर मिला, और उसके बाद जब हमने शासन छोड़ा तब हमने विकास दर को 8.4% पर पहुंचाया, 8.4% पर पहुंचाकर हमने शासन यूपीए को दिया। 10 साल के यूपीए के शासन के बाद फिर से विकास दर को यूपीए ने 8.4% से घटाकर 4.4% पर लेकर गए और हमें फिर से शासन दिया। मित्रों, मुझे कहते हुए हर्ष कि 10 ही मास में 4.4% का विकास दर आज 7.4% पर पहुंचा है। ये देश के अंदर कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, इसका द्योतक व्यापार घाटा भी कम हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में 337.7 बिलियन डॉलर आज जमा है। मैं मानता हूं कि नजदीक के सालों में इतना विदेशी मुद्रा भंडार कभी इतना समृद्ध नहीं रहा है।
विभाग की 4.1% पर सीमित हुई है और उसको 3% की दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है। मित्रों, महंगाई कम हुई, पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए और महंगाई का जो सूचना जो 7% के आसपास हुआ करता था उसको फेब्रुआरी महीने में -2.1 पर ले जाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर महंगाई पर विजय, संपूर्ण विजय पाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, शेयर बाजार आज विश्व के सबसे तेज बढ़ने वाले शेयर बाजारों में भारतीय शेयर बाजार की गिनती होती है और इन्वेस्ट करने वालों का भरोसा सरकार की नीतियों में भी बढ़ा है और हिंदुस्तान में उसके फ्यूचर के लिए भी बढ़ा है। और सरकार ने जिस गति से अर्थतंत्र के अंदर सुधार किया है, मैं मानता हूं कि कुछ ही महीनों में और कुछ एक आध दो सालों के अंदर भारत का अर्थतंत्र शायद विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनेगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, जब हम चुनाव में गए तब हमने काले धन का मुद्दे को लोगों के सामने रखा था। अडवाणी जी उपस्थित है, अडवाणी जी ने 2009 के चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया और 2014 के चुनाव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जो हमारे चुनाव अभियान का नेतृत्व करते थे उन्होंने भी काले धन के मुद्दे को लोगों के सामने प्रमुखता से उठाया। मुझे कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव काले धन के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का हुआ है और उसके बाद दो ही महीने में विश्व भर से जितनी सूचनाएं हमारे पास थी उस सूचनाओं को एसआईटी के साथ साझा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है और वो एसआईटी आज तक काम करेगी। दो साल से सूचनाएं यूपीए सरकार के पास नहीं, दो साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ था मगर एसआईटी का गठन नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के अंदर एसआईटी का गठन कर दृढ़ रात की इच्छा शक्ति काले धन पर लगाम लगाने के लिए उसका परिचय दिया था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जहां पर भी वैश्विक फोरम में गए काले धन के मुद्दे पर पूरे विश्व को एकजुट करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई और अभी भारत सरकार की कैबिनेट ने काले धन की रोकथाम के लिए एक कठोर कानून का प्रावधान करने के लिए पहल की है। इसके अंदर वित्तीय धन का तो प्रावधान है ही है, उसके साथ काले धन को विदेश में ले जाने वाले और विदेश में संपत्ति रखने वाले सभी लोगों के लिए सजा का भी प्रावधान कर हमेशा के लिए काले धन को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। मित्रों, सरकार ने कई सारी योजनाओं को सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर लेकर सरकार आगे बढ़ी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी की पहल, डिजिटल इंडिया की पहल, ये सारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके और हर समस्या को सरकार एड्रेस करेगी। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। यूपीए की सरकार के वक्त काफी सारे घपले हुए, हर महीने एक घपला बाहर आता था और मानो यूपीए की सरकार की परिचय ही घपलों की सरकार का एक परिचय बन गया। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 10 महीने के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी व्यक्ति हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उंगली उठा सके ऐसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरव से लोगों के बीच में जा सकता है कि भारतीय जनता करोड़ रुपया देश के खजाने में हमने डाला है। मित्रों, मैं आज यहाँ इस मंच से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आप जब कहते थे इतने बड़े आंकड़े घोटाले के हो सकते थे क्या, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिद्ध किया है कि सीएजी के आंकड़े तो बहुत छोटे थे, आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था। कांग्रेस ने इसमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। मित्रों, विदेश नीति के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, संस्कृति और विश्व बंधुत्व के पंचामृत के आधार पर भारतीय जनता
प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के अंदर यूएन असेंबली में हिंदी में भाषण कर देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान बढ़ाया। पड़ोसी से रिश्ते भी अच्छे किए हैं और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। मित्रों, योग दिन का प्रस्ताव जब प्रधानमंत्री ने यूएन असेंबली में रखा और सिर्फ 100 बहुत ही कम समय में, विक्रम कम समय में 177 से ज्यादा देशों का उसको समर्थन मिला और हम सबके लिए गौरव की बात है कि 21 जून को पूरा विश्व योग दिन बनाने वाला है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय संस्कृति की विजय पताका को पूरे विश्व में फहराया है। मित्रों, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के देशों का दौरा कर प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा के लिए और पड़ोसियों से मित्रता के लिए एक नई शुरुआत की है। नेपाल, लंका और ऑस्ट्रेलिया, फिजी ऐसे कई देशों के की प्रधानमंत्री की विजिट कई दशकों के बाद थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक ओजस्वी विदेश नीति के आधार पर विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और भारतीय मूल के बहुत बड़ी संख्या जो दुनिया में रहती है वो आज गौरव से कह सकती है कि हम मूल भारत के वासी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सरकार की भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से संघीय ढांचे को मजबूत करने के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संघीय ढांचे को मजबूत करे बगैर इतने बड़े विविधताओं से भरे देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों बराबर एक दिशा के अंदर प्रयास करे वो बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए। सालों से आजादी के तुरंत बाद जो प्लानिंग कमीशन बना था वो प्लानिंग कमीशन को भंग कर भारत सरकार ने नीति आयोग की रचना की। प्रधानमंत्री जी का एक नया इनिशिएटिव नीति आयोग का, इसके अंदर ही राज्य के मुख्यमंत्रियों को समाहित कर नीति बनाने के स्तर पर ही राज्यों की साझेदारी निश्चित कर राज्यों को नीति बनाने में जोड़कर प्रधानमंत्री जी ने नीतियों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए एक रास्ता खोला है। 14 फाइनेंस कमीशन की सभी के सभी सिफारिशें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब तक देश के बजट में 32% हिस्सा राज्यों को मिलता था और एक ही बजट के अंदर 14वें फाइनेंस कमीशन की सभी सिफारिशों को मानकर 32% को हमने 42% तक पहुंचाकर राज्यों को बहुत बड़ी राशि राज्यों के विकास के लिए उपलब्ध कराई है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा कोई कदम शायद ही उठाया गया। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने नई टीम इंडिया की कल्पना भी लोगों को सामने रखी। पहले प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की टीम इंडिया कहलाई जाती। मोदी जी ने प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट और सब राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे नई टीम इंडिया की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। अपने निवास स्थान पर सभी मुख्यमंत्रियों को इनफॉर्मल चर्चा कर राज्यों के प्रश्नों को समझने का, उसके निराकरण के लिए रास्ता निकालने का काम इन्हीं से भी प्रधानमंत्री ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर किया है, मैं मानता हूं इससे राज्यों को बहुत बड़ी राशि उपलब्ध होने वाली। जब हम चुनाव अभियान चला रहे थे तब मोदी जी हमारे अभियान का नेतृत्व करते थे। उन्होंने कहा था कि पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के भारत के राज्यों के विकास में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिम में काफी विकास हुआ है और पूर्व का हिस्सा आज भी विकास से महरूम है। वहां पर विकास को पहुंचाना है। सारी खदाने कोयले की हो या खनिजों की, खदाने ज्यादातर पूर्वी भारत में है और खदानों का पूरा नीलामी का पैसा जब राज्यों के पास आएगा तो मैं मानता हूँ पूर्वी भारत भी आगे बढ़ेगा और पश्चिम भारत के समकक्ष विकास कर भारत माता की दोनों भुजाएं विकसित होकर एक विकसित भारत की रचना होगी। मैं मानता हूँ इससे भी फेडरल स्ट्रक्चर को काफी बल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो जीएसटी का कानून भी सालों से राज्य और केंद्र के चक्कर में फंसा हुआ था। सरकार के इनिशिएटिव के कारण, राज्यों के सब प्रश्नों को समझने के कारण और उनके ये सरल रास्ते खुलने के कारण आज 2016 दिसंबर में
जीएसटी कानून वास्तविकता बनने जा रहा है, इससे हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। मित्रों, एक और तो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बनाने में जुटी है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार भी हम बहुत अच्छे तरीके से लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के सहयोग से कर रहे हैं। देश के अंदर 1600 से ज्यादा पार्टियां, उसमें से कुछ गिनी चुनी पार्टियों में ही आंतरिक लोकतंत्र बरकरार है। मुझे कहते हुए गौरव है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका आंतरिक लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से हमने संभाल कर रखा है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शिष्टर पर बैठ सके, इस तरह की व्यवस्था केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए, 2015 का साल भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से हमारे सदस्यता नवीनीकरण का साथ। जब अगस्त में हमने मिले थे तब मैंने कहा था कि सदस्यता कुछ 2 महीने हम पहले शुरू कर देंगे और सदस्यता को एक नए प्रकार से इस बार हम शुरू करेंगे। सदस्यता अभियान को हमने इस बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शुरू करने के लिए निर्णय किया था और मुझे आपको कहते हुए आनंद है कि आज 9,25,00,000 का आंकड़ा पार कर हम 10 करोड़ के लक्ष्यांक को निश्चित सिद्ध कर लेंगे, ऐसा भरोसा हमें है। नहीं तो जब 10 करोड़ का लक्ष्यांक तय किया था तब मेरे साथियों के अंदर भी विश्वास का था। काफी लोगों ने मुझे समझाया था कि फर्जी वाली सदस्यता नहीं है, इसमें पारदर्शिता है, फर्जी सदस्यता नहीं हो सकती, व्यक्ति को ढूंढकर उससे मिस वर्क कराना पड़ेगा तब जाकर वो सदस्य बनेगा। 10 करोड़ लोगों से मिस वर्क कराना एक बहुत बड़ा काम है, मैं भी मानता हूँ। मित्रों, एक भगीरथ है जिस पार्टी को देश में 17 करोड़ वोट मिले हो, वो पार्टी 17 करोड़ वोटर में से 10 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने में सफल हो, उसके कार्यकर्ता लाख लाख अभिनंदन के अधिकारी है। देश भर के कार्यकर्ता ने मेरी चोटी का जोर लगाकर बहुत परिश्रम कर इस सदस्यता को इस मुकाम तक पहुंचा और आज हम संसार की सबसे बड़ी पार्टी। हजारों कार्यकर्ता ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने पूर्ण समय काम किया, हजारों कार्यकर्ता पूर्ण समय निकले हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, बंगाल, असम, ये सभी राज्य, उड़ीसा, ये सभी राज्यों में हर असेंबली सीट, हर लोकसभा सीट पर एक पूर्ण समय का कार्यकर्ता सदस्यता कर रहे हैं। और मित्रों, हमने सक्रिय सदस्य बनाने के लिए 100 सदस्य बनाने का एक प्रावधान किया था। मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार भारत में हम कम से कम 8 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने में सफल होंगे, इसमें किसी को शंका नहीं है। आने वाले दिनों में इस सदस्य जो अभियान हुआ है, इसने जहां हम संगठनात्मक रूप से निर्बल थे, ऐसे सभी राज्यों की सदस्यता को कहीं 2 गुना, कहीं 4 गुना, कहीं 7 गुना, कुछ राज्यों में तो 10-10 गुना तक सदस्य बनेंगे। तो केरल एक ऐसा राज्य है, मुझे कहते हुए बहुत आनंद होता है, जहाँ केरल में हमें वोट तो प्राप्त हुए थे 14 लाख, मगर आज हमारी सदस्यता पहुंच गई है 19 लाख तक। पूरे केरल के कार्यकर्ताओं को हम सभी ने यहाँ से अभिनंदन देना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ा पुरस्कार किया है हमारे लिए। राजनीतिक रूप से बड़ी विकट भूमि है केरल, वहां पर कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा परिश्रम किया है। और मित्रों, इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा बैंक जनरेट हुआ है, 10 करोड़ कार्यकर्ताओं का डेटा बैंक, उनके नाम, पते और टेलीफोन नंबर के साथ। वो तहसील कार्यालय में होगा, मंडल कार्यालय में होगा, जिला कार्यालय में होगा, प्रदेश कार्यालय में होगा और राष्ट्रीय कार्यालय में होगा। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लंबे समय के लिए हमने सुनिश्चित कर दी है। मित्रों, यहाँ से उठने वाले आने वाले दिनों में 2 और अभियान आएंगे, एक महासंपर्क अभियान, जिस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक 10 के 10 करोड़ कार्यकर्ताओं के पास जाने का प्रयास करेगा, उसको पार्टी का परिचय देगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की पूरी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का परिचय नए कार्यकर्ता, नए सदस्य को कराएगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का परिचय कराएगा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के, राज्य की सरकारों के किए हुए अच्छे काम का भी परिचय नए सदस्य उसके पास से वो सदस्य का परिचय, जिसके अंदर आयु, आय सीमा, एजुकेशन, उनके व्यवसाय क्या व्यवसाय है,
परिवार कैसा है, जाति कौन सी है, ये सब चीजों का डेटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारे पास उपलब्ध होगा। और ये जो महासंपर्क अभियान है, मैं मानता हूँ कि अगर ये महासंपर्क अभियान को हम ठीक से कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के कंप्यूटरों के अंदर 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का एक डिटेल डेटा भी तैयार हो जाएगा, जो लंबे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। मित्रों, जो स्वेच्छा से सदस्य बने इनको कार्यकर्ता बनाने की अगर प्रक्रिया हम नहीं करते हैं तो मैं मानता हूँ ये प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। सदस्य कार्यकर्ता नहीं, सदस्य तो हमारे लिए शुभकामना रखने वाला व्यक्ति होगा, उसको कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया करेंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाले दिनों में घोषणाओं की, तिथियों की घोषणा मैं इसी कार्यकारिणी में करूंगा, मगर आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण का अभियान हम चलाने वाले हैं। मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 15 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और मुझे भरोसा है कि प्रशिक्षण शिविर समाप्त होते ही जो सदस्य बना है वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, हमारा परिवार का अंग बनेगा, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ जाएगा और एक लंबे समय के लिए हमारी विचारधारा के लिए काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। मित्रों, तीनों अभियानों के लिए मुझे देश भर के कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहिए। सदस्यता अभियान तो करीब करीब ठीक से समाप्ति की ओर है, मगर और दो बड़े अभियान महासंपर्क अभियान और प्रशिक्षण अभियान जो हम चलाने वाले हैं उसमें आने वाले दिनों में आप सबका साथ। मित्रों, हम सब इस समय पर कार्यकर्ता बने हैं और पार्टी ऐसे अच्छे मौके पर हमारे हाथ में आई है जब पार्टी की विचारधारा का सम्मान, पार्टी की विचारधारा को स्वीकृति मिले। मगर पार्टी की हमारी विचारधारा की यात्रा 1950 से 2014 तक चली, बहुत लंबी चली। कई ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने पूरा जीवन इस पार्टी के लिए न्योछावर किया, कई ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण पार्टी की विचारधारा को समर्पित किया। आज हम याद करने जाते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अडवाणी जी, अटल जी, राजमाता जी, उषा बहु ठाकरे, सुंदर सिंह मंडाली, जगन्नाथ राव जोशी, कैलाशपति मिश्र, ढेर सारे कार्यकर्ताओं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज इनके क्लब के अधिष्ठान पर हम पार्टी को इस मुकाम पर लाए हैं। हमारा दायित्व है जब हमारे अगली पीढ़ी ने इतना अच्छा काम करके पार्टी को इतनी अच्छी स्थिति में लाए हैं तब इस पार्टी को हम और लंबे समय तक एक अच्छी स्थिति में ले जाए। और इसके लिए इस संगठन पर के तीनों अभियानों के लिए मैं मन से अपील करता हूँ देश भर के कार्यकर्ताओं को, ये तीनों अभियान को अगर हम एक बार कर लेते हैं तो ये वर्ष जो कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को इस देश का नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करेगी। मित्रों, पार्टी के तंत्र में भी काफी मतलब व्यवस्थात्मक सुधार भी काफी कर रहे हैं, मैं बाद में आपको कहूंगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त को पार्टी को निर्देश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति से ऊपर उठे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल राजनीति न करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक दूषणों के खिलाफ भी जंग उनके निरस्त करने के लिए प्रयास करें। मित्रों, मैं आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं। तो अभियान हम भारतीय जनता पार्टी नाते दिसंबर 2016 तक लेना चाहते हैं। एक आज भी इतने सालों बाद भी 2011 के सेंसेक्स को मान ले तो देश में 23 लाख से ज्यादा शौचालय ऐसे हैं जहां आज भी आदमी ने सर पर मैला ढोकर मल को बाहर निकालने जाना पड़ता है। मानवता के लिए और भारत के लिए इससे बड़ा गलत कोई नहीं। 60 साल की आजादी
नाबूद कर दी। और मित्रों इसके लिए 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 23 लाख परिवारों का संपर्क कर सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिलाकर, चाहे वो जिला पंचायत की हो, राज्य पंचायत की हो, केंद्र सरकार की हो, उसका लाभ दिलाकर इस कुप्रथा से वो सफाई कर्मचारी को मुक्त करेंगे और उसके जीवन में एक नए सूर्य लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कई सरकारी योजना है। मैंने थावरचंद जी के पास से मंगाई है, अध्ययन भी किया, उनके पुनर्वसन का भी प्रोविजन प्रावधान सरकारी योजनाओं में है। तो हम सबका दायित्व है कि 23 लाख 90 हजार सभी शौचालयों को अच्छे शौचालयों में परिवर्तित कर इसके साथ जुड़े हुए सफाई सफाई कर्मचारियों को नर्क के जीवन से मुक्ति दिलाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक अच्छा मौका देने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक संकल्प करे और 2016 तक पूरे देश में एक भी इस प्रकार का शौचालय न बचे, इसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी दे। मैं मानता हूं कि आप सभी मेरे इस जो कार्यक्रम दे रहा हूं इसके साथ सहमत होंगे, इसका मुझे विश्वास है और देश भर का कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को उठाएगा। मित्रों दूसरा कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आज भी सेक्स रेशियो के कारण देश में एक चिंता का माहौल है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, अच्छा भी नहीं होगा। मगर कई राज्य ऐसे हैं जहां लिंग अनुपात बहुत बिगड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में अगर हम समाज के नाते जागरूक नहीं होते हैं तो लिंग अनुपात बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सरकार के अंदर लिंग अनुपात, समाज के अंदर लिंग अनुपात के बारे में हम जन जागरूक कार्यक्रम करें, जनता को जागरूक करे। अरे बेटी को लक्ष्मी नहीं था, बेटी का स्वागत करने के लिए समाज के अंदर एक अच्छी मानसिकता, बेटी को बढ़ाने के लिए हम समाज के अंदर एक अच्छी मानसिकता तैयार करें और बेटी को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए समाज के अंदर मानसिकता तैयार करें। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अभियान से, इस जागरूक अभियान से देश के लिंग अनुपात के अंदर हम बहुत रचनात्मक सुधार करने की दिशा में जाएंगे और पूरे देश भर का कार्यकर्ता इस लिंग अनुपात के जन बारे में जन जागृति कार्यक्रम को उठाए और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाए, ऐसी मेरी अपील है। स्वच्छ भारत और नमामि गंगे अभियान, ये दोनों अभियानों के साथ हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है, ये दोनों अभियानों को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठाए। स्वच्छता के संस्कार समाज के अंदर ग्रहण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ निश्चय कुछ संकल्प भी बने और गंगा की स्वच्छता, गंगा की निर्मलता हम सबके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, किसानों की जमीन की उर्वरकता के लिए, स्वच्छ पीने के पानी के लिए तो जरूरी है, हमारे आत्मा की शांति के लिए और आध्यात्मिक की उन्नति के लिए भी गंगा स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। मित्रों और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जहाँ कहीं भी गंगा किनारे पर भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां है वो गंगा को स्वच्छ करने के साथ जुड़े और हर गांव में एक नमामि गंगे की टीम बनाए और वो टीम गांव के अंदर जागृति कर गंगा के अंदर कचरा डालने की प्रक्रिया को रोके, गंगा को मैला होने से बचाए। मित्रों के चारों कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी डिटेल प्रोग्राम देकर आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने आएगी। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति न करें, सामाजिक दायित्व को भी निभाए और सामाजिक कुरीतियों को से समाज को मुक्त करने के लिए संघर्ष करें, तो हम इन चारों कार्यक्रमों को ठीक से उठाए और उसको सफल बनाए। मित्रों भूमि अधिग्रहण के लिए आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होने वाला है, मैं इसके बारे में कुछ और कहना नहीं चाहता, डिटेल समझ आपको प्रेजेंटेशन देने के बाद अपने आप। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीना तान कर लोगों को कह सकता है कि संशोधन के बाद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो नया आया है उसमें एक इंच भी जमीन कॉर्पोरेट जगत को देने के लिए कहीं पर भी कोई भी प्रावधान नहीं है, एक इंच जमीन भी देने के लिए प्रावधान। और रक्षा प्रकरण के लिए
ग्रामीण विकास के लिए, सिंचाई के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन के उचित दाम, भूमि को उचित दाम में किसानों को देने का प्रावधान हमने किया है। मित्रों, काफी सारी बात प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम से क्लियर हुई है और हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे उससे और क्लियर हो जाए। आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव, बिहार एक लंबे समय तक जंगल राज की अनुभूति के अंदर रहा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार को जनादेश मिला था, मगर जदयू ने इस जनादेश की पीठ में खंजर भोंककर वहां सरकार गिरा दी और जदयू की अकेली सरकार बनी। हमने सरकार तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, मगर जदयू की सरकार आने के बाद फिर से बिहार सुंदर राज्य की ओर बढ़ रहा है और उसे सिद्ध हो पाया है कि बिहार में विकास और बिहार में शांति तब तक ही है जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर थी। भारतीय जनता पार्टी निकलते ही बिहार में फिर से जंगल राज, पूरे बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आशाओं की दृष्टि से देख रही है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार मौका देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम इस मौके के लिए लोगों के बीच में जाए, जन जागृति रहे, अपने विचार को, अपनी विचारधारा को लेकर जाए और जब तक हम थे बिहार कैसे विकास के रास्ते पर अग्रसर था वो बात को बताए और आने वाले चुनाव के अंदर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। मित्रों, मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में निश्चित ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की, अकेली भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सरकार बनेगी, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, सरकार के अच्छे कामों के कारण आज पूरा विपक्ष दिशाहीन और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाना शुरू किया। मित्रों, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, उनके उस शासन का कोई जवाब नहीं। हमारे शासन में से 36 वोट ढूंढना उनके लिए असंभव है, इसलिए कुछ अजीब तरीके का एक भ्रामक प्रचार का अभियान इन्होंने छेड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि हम लोगों के बीच में रहे, सरकार के कामों को लोगों के बीच में ले जाए, यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की याद दिलाए, हमने किस तरह से पारदर्शी तरीके से शासन किया है, ये बात को लेकर लोगों के बीच में रहे। मित्रों, हम लोगों पर कांग्रेस के लोग हमारी सरकार की गलतियों को ढूंढना चाहते, बार बार प्रयास कर रहे। मेरे कांग्रेसी मित्रों को सलाह है, हमारी गलतियां बाद में ढूंढना, पहले आपके नेता को ढूंढ लीजिए, आपके नेता देश में कहां है। जिस पार्टी के नेता ही नहीं मिलते वो पार्टी कैसे और पार्टी की कभी बन सकती। मित्रों, किसान विरोधी होने का हमारे बड़ा जो लोग 60 साल तक देश में सत्ता में, जिन्होंने 60 साल तक देश में शासन किया और अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से 60 साल तक किसानों की भूमि को अधिग्रहित करते रहे, वो लोग हम पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, जिनके परिवार के सदस्यों ने करोड़ों करोड़ों की किसानों की भूमि चाव कर गए हैं और आज तक दरकार नहीं आई, वो लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर किसानों के बारे में आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, वो आत्मचिंतन करे, उनके परिवार में क्या। मित्रों, जो लोग दिल्ली में सत्ता में आए, दिल्ली में कई सरकार, वो सरकार जन लोकपाल का नाम लेकर सत्ता में आई थी, जन लोकपाल के लिए नारा लेकर आई थी, आज स्थिति ये है कि वो पार्टी ने अपने पार्टी के लोकपाल को ही निकाल दिया। जो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात करते रहते वो पार्टी आज कार्यकारिणी में से अपने विरोधियों को चुन चुन कर बाहर निकालकर कार्य कर रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस भ्रामक प्रचार की दिशा में हमारा कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाए और लोगों को सच्चाई बताने का काम करे। मित्रों, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 2-3 अभियान जो मैंने कहे इसके आधार पर संगठन का विस्तार करेगी और अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेतृत्व में एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। पार्टी संगठन मजबूत करेगी,
संगठन मजबूत करके सरकार की खड़ी रहेगी और सरकार भारत को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। सरकार और संगठन दोनों मिलकर भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करते हैं। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आप सबको अपील है कि हम सरकार के पीछे खड़े रहे, सरकार के आज अच्छे कामों को लेकर लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाए और लोगों की समस्या के निवारण के लिए सरकार को इतना बनाकर फिर से लोगों के बीच में जाए। ये सिलसिला निरंतर चलता रहे और आने वाले दिनों में देश की प्रगति बहुत अच्छे तरीके से हो और दुनिया में अपना स्थान भारत अग्रिम पंक्ति में सुनिश्चित कर सके, यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।